हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद, आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे मिले हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे ज़्यादा स्थल हैं वो किस नदी के तट पे या कौन सी नदी है उसके आसपास मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है सिंधु नदी, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती व उसकी सहायक नदियाँ, झेलम व यमुना नदी। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता की क्लास ले रहे थे तो वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो प्रारंभिक खुदाई होती है उस समय सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो मिल रहे हैं हमें सिंधु नदी के आसपास, सिंधु व उसकी जो सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर सर्वाधिक स्थल मिल रहे थे। और फिर बाद में होता क्या है कि 1947 के बाद में जब खुदाई होती है तो ज़्यादातर स्थल हैं या हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थलों की प्राप्ति हुई है वो है सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा सी, सरस्वती व उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो 1947 के बाद में ज़्यादा स्थल यहाँ पर खोजे गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सरस्वती व उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल सुतकागेंडोर किस नदी तट पर स्थित है। सुतकागेंडोर स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु, झेलम, सरस्वती, दास्क। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जैसे अगर विस्तार की बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की तो हमने देखा था इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं के जो स्थल हैं उसके अंतर्गत सुतकागेंडोर भी एक स्थल था। और ये पश्चिम में दास्क नदी और बलूचिस्तान में इसकी स्थिति थी। यानी पश्चिम के अंदर जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है उसमें दास्क नदी के तट पर यह स्थित था, स्थल है सुतकागेंडोर। ठीक है, और पूर्व की बात करें तो हमने यहाँ पर बात की थी एक स्थल है आलमगीरपुर और ये हिंडन नदी के तट पर था, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था मांडा और ये चिनाब नदी जम्मू के अंदर। ठीक है, और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर हमें दायमाबाद नामक स्थल मिला है जो प्रवरा नदी, गोदावरी नदी की सहायक है, उसके पास में महाराष्ट्र में मिला है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सुतकागेंडोर की, और सुतकागेंडोर जो स्थल है वो मिला है दास्क नदी और यहाँ पर ऑप्शन है डी। ठीक है, तो सुतकागेंडोर जो स्थल है वो है दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन है हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अगर हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर हमें R37 और H कब्रिस्तान मिला है,
राखी गढ़ी है तो यहाँ से भी हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, रोपड़ है तो यहाँ पर मनुष्य व कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और अंतिम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या है, हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यहाँ से हो क्या रहा है, हमें कलश स्वादान के प्रमाण मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान मिल रहा है, राखीगढ़ी से मिल रहा है, रोपड़ से मिल रहा है, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो से। अगर बात आती है कलश स्वादान की तो वो हमें कहाँ पर मिल रहा है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता, नंबर 4 का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा अफगानिस्तान में स्थित है, यानी कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो जब हम क्लास में चर्चा कर रहे थे तो अफगानिस्तान में हमें दो स्थल मिले हैं, एक तो है मुंडीगाक और एक है सौरतगोई। ठीक है, तो ये दो स्थल हैं जो हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। आगे अगर बात करें नंबर 5 क्वेश्चन की, तो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है सैंदव व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेसोपोटामिया है और ये सिंधु घाटी इनका क्षेत्र है, अब इन दोनों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसमें मध्यस्थ कौन है। ठीक है, चाहे वो बंदरगाह हो या फिर और कोई स्थल हो जो दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर मध्यस्थ की बात करें तो ऑप्शन में है एलम, ये भी नहीं है, ओमान ये भी नहीं है, मेलुआ, ये मेलुआ से मतलब है सिंध, दिलमुन, ये दिलमुन है जो अभी का बहरीन है, बहरीन को सिंधु घाटी सभ्यता में दिलमुन बोला गया है, और ये दिलमुन है ये यहाँ पर मध्यस्थ का काम कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दिलमुन। ठीक है, अब अगर बात करें तो मेसोपोटामिया से हमें यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ मनके टाइप के मिल रहे हैं और क्लोराइट की बनी हुई मोहरें मिल रही हैं, तो इस तरह की सामग्री वहाँ से आ रही थी भारत में। और निर्यात की बात करें, भारत से जो चीज़ें निर्यात हो रही हैं उनकी बात करें तो यहाँ से हाथी दांत, कीमती पत्थर, सूती कपड़ा, इमारती लकड़ी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया में जाती थी, और वहाँ से होता ये था कि जैसे मोहनजोदड़ो से क्लोराइट की बनी हुई आकृतियाँ मिली हैं या फिर मनका टाइप का मिला है, तो ये चीज़ें वहाँ से आती थी। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सैंदव व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। तो जैसे मान लीजिए ये मेसोपोटामिया है और ये सिंध है, सॉरी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है, तो इन दोनों के बीच में मध्यस्थ कौन कर रहा है, दिलमुन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राप्त सबसे
बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो यहाँ बात हो रही है भारत में जो प्राप्त हो रहे हैं स्थल उनके बारे में। तो भारत में जो स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, ठीक है। और अगर पूरी सिंधु सभ्यता की बात करें, पूरी सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल है, तो होगा राखीगढ़ी, ठीक है। अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो की लोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, गुजरात में, पंजाब में, अफगानिस्तान में। तो जो राइट ऑप्शन है वो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की स्थिति है और ये स्थल है 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में हमने पहले क्लास में भी चर्चा की थी कि यहाँ पर एक जैसे पुरोहित की मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है और विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है। तो इस तरीके से ये जो मोहनजोदड़ो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो यूपीएससी के प्रीलिम्स और जो अन्य एग्जाम है जैसे यूजीसी नेट हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर मोहनजोदड़ो की स्थिति की बात आती है तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पे था ये। अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हो रही है उसमें कौन से व्यक्ति का योगदान नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है, या नहीं थे। तो यहाँ पर है एनजी मजूमदार, इनका योगदान है चन्हूदड़ो में, आरसी मजूमदार ये भी इतिहासकार हैं, दयाराम सानी इन्होंने हड़प्पा को खोजा था, एमएस वत्स इनका योगदान है मोहनजोदड़ो से संबंधित। तो यहां पर ऑप्शन होगा हमारा राइट आरसी मजूमदार। जो आरसी मजूमदार हैं ये इतिहासकार तो हैं लेकिन इनका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई खुदाई में योगदान नहीं है या सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। बाकी जैसे एनजी मजूमदार है तो वो चन्हूदड़ो से जुड़े हुए थे, दयाराम सामनी हड़प्पा से जुड़े हुए थे, एमएस वत्स हैं ये मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए, यानी ये युग्म दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, अब इनमें से जो असंगत कौन सा है, यानी एक तरफ सैर दिया हुआ है और एक चीज वहां पर जो मिली है उसके बारे में जोड़ा बनाया गया है, अब इसमें संगत कौन सी चीजें नहीं है वो देखना है। तो सबसे नंबर 1 है हड़प्पा और यहाँ पर अन्नागार, तो ये राइट है संगत है, मोहनजोदड़ो और विशाल अन्नागार ये भी संगत है क्योंकि वहाँ पर मिला है, धोलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र ये असंगत है, लोथल और गोदीवाड़ा ये भी संगत है, ठीक है। तो
तीन यहाँ पर युग्म संगत संगत हैं और एक क्या है, असंगत है। असंगत कौन सा है? धोलावीरा और ये गढ़ी क्षेत्र। जो धोलावीरा है अगर इसकी बात करें, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी मिला है, और इसमें जो आवास बने हुए थे वो तीन भागों में बंटकर के बने हुए थे। यानी यहाँ पर एक गढ़ी क्षेत्र नहीं है बल्कि तीन गढ़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये उच्च और ये मध्य हो गया और ये निम्न हो गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए ये आवास बने हुए थे, जैसे कुलीन वर्ग के लिए, मध्यम लोगों के लिए और निम्न जो लोग थे उनके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर तीन प्रकार के आवास देखने को मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? यानी विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड बने हुए हैं और वहाँ पर धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। तो ऑप्शन है हमारे पास में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो जो ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो है कालीबंगा। तो हमारा आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है कि जगह जगह अग्निकुंड बने हुए हैं और उनके पास में स्नान वगैरह की या जिस तरीके से धार्मिक स्नान होते हैं ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन है धोलावीरा, रोपड़, चनुद्रो और कालीबंगा। ठीक है, तो जो मनका बनाने का कारखाना जो हमें मिला है वो चनुद्रो से मिला है। हमारा आंसर है यहाँ पर सी, चनुद्रो में क्या था, मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है। और यहाँ पर चनुद्रो में और भी कई चीज़ें मिली हैं, जैसे श्रृंगार प्रसादन की सामग्री यहाँ पर मिली है, सामग्री मिली है जिसमें जैसे लिपस्टिक है, काजल है, कंघा है, उस्त्रा है, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर मिली हैं। और एक और जगह है लोथल, जहाँ भी हमें मनका बनाने के अवशेष मिले हैं या फिर वहाँ भी मनका बनाने की फैक्ट्री वगैरह रही होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मनका बनाने का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर है, चनूदड़ो। ठीक है, और श्रृंगार प्रसादन की जो सामग्री है वो भी हमें यहीं पर मिल रही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, यानी जो मोहरें बनी हुई थी उनका रूप ज्यादा कौन सा प्रचलन में था? तो वो है चौकोर टाइप का या फिर वर्गाकार। ठीक है, बाकी आयताकार भी हैं, बेलनाकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं वो इस तरीके से चौकोर टाइप में बनी हुई थी, मतलब समान आकार की। तो हमने देखा हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक मोहरों का प्रचलित रूप और वो है वर्गाकार। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हुदड़ो के उत्खनन से दो लोग जुड़े हुए थे, एक तो मजुमदार है और एक है जे एच मैके। तो हमारा आंसर होगा मैके, और एक और है एन जी मजुमदार। इन दोनों ने मिलकर के चन्हुदड़ो की खुदाई की थी या उसका उत्खनन किया था।
जिसमें मैके महोदय का भी जो डायरेक्शन का काम है या निर्देशन करने का काम है वो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, यानी ऐसे कौन सा प्राकृतिक वृक्ष वगैरह या फिर देवता नहीं था जिसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है शिव, शिव के साक्ष्य हमें मिले हैं, पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, तो ये सही है। पीपल के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। मातृ देवी की पूजा होती थी क्योंकि मोरों पर ऐसा देखने को मिलता है, और यहाँ का जो समाज है वो कैसा है, मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो भी क्या है, मातृसत्तात्मक। तो यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होनी है, लेकिन विष्णु की पूजा यहाँ पर नहीं होती है। विष्णु की पूजा का साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें देखने को मिलता है उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में, ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, विष्णु। और क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, तो शिव की होती है, पीपल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो विष्णु है उसके साक्ष्य हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जो कृषि कार्य है उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो एक जगह है मेहरगढ़, और ये जो मेहरगढ़ है ये प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, और यहाँ पर हमें क्या है, कपास और अन्य जो फसलें हैं उनके उत्पादन के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व यहाँ कृषि कार्य होते थे जो क्या है, प्राक हड़प्पाकालीन कृषि के साक्ष्य हमें उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 16 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं, ठीक है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो हमें दो स्थल मिले हैं, एक तो है बनवाली, हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे है ये, राखी गढ़ी ये भी हरियाणा में है, हरियाणा हिसार जिला घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे था। तो ये दो स्थल हमें हरियाणा में मिले हैं, और यहाँ पे हमें कूट मिलाना है, तो एक और तीन यानी कूट संख्या एक व तीन सही हैं, ठीक है। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें है कालीबंगा। और रोपड़ की अगर बात करें तो ये है पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे ये पंजाब में है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन है हमारा, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति में से किस प्रकार के मृद भांड अंतिम रूप से पहचान की गई है, यानी जो ताम्र निधि संस्कृतियां हैं उनके जो बर्तन बने हुए थे
उनकी पहचान किस रूप में की गई है वो देखते हैं। तो यहाँ पर है लाल रंग के मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, चित्री दूसर मृदभांड और उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड। तो जो ताम्र निधि संस्कृतियाँ हैं उनसे जुड़े हुए मृदभांड हैं गेरुवर्णी, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, गेरुवर्णी मृदभांड। और अगर बात करें चित्री दूसर मृदभांडों की तो ये वैदिक काल में हमें प्राप्त होते हैं और उत्तरी काली पालिसदार हैं ये उत्तर वैदिक काल में हमें मिलते हैं, ठीक है। लाल चिकने मृदभांड हैं ये हमें कुषाणों के समय मिलते हैं, कुषाण काल में। और गेरुवर्णी मृदभांड हैं ये ताम्र निधि संस्कृतियों में भी मिल रहे हैं और वैदिक काल में भी हमें ऐसे साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभांड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है नंबर एक, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूनागारा का प्रयोग नहीं हुआ। हमारा कथन है मोहनजोदड़ो में कभी आवास निर्माण में जो वहाँ पर भवन बने हैं या स्नानागार वगैरह बने हुए हैं उसमें चूनागारा का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि जो स्नानागार वगैरह बने हुए थे उनकी फर्श है वो पक्की है और पक्की में चूनागारा का प्रयोग होना जरूरी है, ऐसा साक्ष्य हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर दूसरा जो कथन है, धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। क्योंकि धोलावीरा में जो आवास बने हुए थे उनमें पत्थरों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा या कथन जो सही है उनके बारे में अगर हम डिसाइड करें तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं और आंसर हो जाएगा डी, ए और दो, एक और दो दोनों नहीं। यानी दोनों कथन क्या है, दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में कौन सी मोहरें लोकप्रिय थी, ठीक है, यानी किस प्रकार की मोहरें लोकप्रिय थी। तो यहाँ पर मोहरें हैं जो लोकप्रिय हैं वो हैं चौकोर, बाकी जैसे बेलनाकार हैं, अंडाकार हैं, गोलाकार हैं, ये भी लोकप्रिय थी, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय थी वहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय जो मोहरें मिली हैं वो हैं चौकोर टाइप की, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की अधिकांश मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई हैं। तो अगर बात करें जो पदार्थ इनमें प्रयोग किया गया है उसकी, तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा सेलखड़ी। यानी ज़्यादातर जो मोहरे हैं वो सेलखड़ी से निर्मित थी, बाकी जो मोहरे हैं वो मिट्टी की बनी हुई हैं। तांबे की मोहरें भी मिली हैं, चर्ट की बनी हुई हैं। तो इस तरीके से अलग अलग धातुओं से मिलकर के वहाँ पे मोहरें बनाई गई थी, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में हमें मोहरें देखने को मिलती हैं वो हैं सेलखड़ी की बनी हुई। सेलखड़ी की मोहरें यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय थी, ठीक है। तो आज का ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम हमारा यहीं तक है। अगली क्लास में हम एक और श्रृंखला लेकर के आएंगे। धन्यवाद।